हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर डिवाइसेस। तो दोस्तों, जैसा कि भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास कई सारे डिवाइसेस हैं, लाइक मॉनिटर, जॉयस्टिक, माउस, स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, माइक, कीबोर्ड एंड बारकोड रीडर। अब यहाँ पे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है कि इन डिवाइसेस में से कौन से डिवाइस इनपुट है और कौन से डिवाइस आउटपुट है। तो नॉर्मल दोस्तों क्या होता है कि ये जितने भी डिवाइस है वो वर्क करते हैं सीपीयू के बेस पे, और जैसा कि सीपीयू काम क्या है, प्रोसेस करने का, तो कुछ डिवाइस इसमें से सीपीयू को इंटरनल कमांड देते हैं और कुछ डिवाइस उस इंटरनल कमांड को एज एन आउटपुट शो करते हैं। तो जो डिवाइस इंटरनल कमांड दे रहा है वो होता है इनपुट डिवाइस, और जो डिवाइस एक्सटर्नल कमांड शो कर रहा है वो होता है आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड है और कीबोर्ड में आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो वो टाइप होके सबसे पहले जाता है सीपीयू के पास, और सीपीयू उस कमांड को एक दूसरे डिवाइस यानी कि मॉनिटर के थ्रू एज एन आउटपुट आपके सामने शो करता है। तो इस तरीके से इनपुट और आउटपुट डिवाइस आपस में वर्क करते हैं सीपीयू की हेल्प से। तो नॉर्मल दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस की मैंने कैटेगरी बना दी है, लाइक यहाँ पे क्या है, हमें बस इतना समझना है कि जो भी डिवाइस आपको इनपुट दे रहे हो या फिर इंटरनल वर्क दे रहे हो वो हो गए इनपुट डिवाइस, और जो भी डिवाइस आपको एक्सटर्नल वर्क दे रहे हो वो होते हैं आउटपुट डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि अभी कीबोर्ड से हमने समझा, कीबोर्ड से जो भी हम काम कर रहे हैं वो सीपीयू में पहले जा रहा है, इंटरनल हो रहा है, कोई आउटपुट नहीं मिल रहा हमें। आउटपुट किसके थ्रू मिला? मॉनिटर के थ्रू। माउस से भी जो भी काम कर रहे हैं वो इंटरनल हो रहा है, स्कैनर कुछ भी आप स्कैन कर रहे हैं वो कंप्यूटर के इनसाइड में हो रहा है, इंटरनल हो गया। जॉयस्टिक से आप गेम खेल रहे हैं, अंदर अप्लाई हो रहा है, इंटरनल हो गया। तो ये डिवाइसेस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। तो जो भी डिवाइस आपको क्या है, आउटपुट दे रहे हो, लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड वगैरह जितने भी काम है उन सबको हमें डिस्प्ले कर रहा है मॉनिटर, आउटपुट दे रहा है, इसलिए मॉनिटर हो गया एक आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट है उसका प्रिंट आउट वो एज एन आउटपुट आपको देता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर, म्यूजिक्स या वीडियोज आप प्ले कर रहे हैं उसमें और वो आपको एज एन आउटपुट बाहर मिल रहा है, किसके हेल्प से? स्पीकर के हेल्प से, जिसकी वजह से आप उसे सुन पा रहे हैं। सो स्पीकर भी हो गया आउटपुट डिवाइस। आई होप कि गाइस वीडियो आपको समझ में आया हो, एंड आई होप कि कंफ्यूजन जो इनपुट आउटपुट का है वो फिनिश हो गया हो। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, एंड दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आगे की वीडियोस के भी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।